जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में और हम लोग सीखे थे कि डिटरमिनेंट का मान कैसे निकालेंगे, चाहे वो दुगुने दो कोटि का हो या तीन गुने तीन कोटि का हो। फिर ये सीखे थे कि एक्स का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज 4.1 को ख़त्म भी किए थे। आज हम लोग 4.2 की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है तो सारणिक का गुणधर्म, ठीक है, सारणिक का गुणधर्म। चलिए सीखते हैं सारणिक का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सारणिक का गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए समझते हैं कि सारणिक का गुणधर्म क्या है, यानी इसका गुण क्या है, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला गुणधर्म इसका है कि यदि कोई सारणिक आपको दिया गया है, यानी यदि कोई डिटरमिनेंट आपको मालूम है और उस डिटरमिनेंट के ये टोटल आपको बता दिए हैं पहले, केवल अभी हम रिकैप करेंगे, ठीक है, यानी आपको पूरी जानकारी पहले से है, इसका रिकैप करेंगे और सीधे सवाल की शुरुआत करेंगे। यदि किसी डिटरमिनेंट के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पर है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल लेते हैं, यानी जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर लेते हैं, ठीक है। तो बदलेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो पंक्ति में है इसको स्तंभ बना देते हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2, देख रहे हैं, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, अब तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं, A3, B3 और C3, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको चेंज कर दीजिएगा आपस में, यदि किसी डिटरमिनेंट के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाएगा, ठीक है, यानी पूरा का पूरा परिवर्तित कर दीजिएगा तो ये जो डिटरमिनेंट है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये डिटरमिनेंट को डेल से भी सूचित किया जाता है, तो इसके मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो का त्यों रह जाएगा। अब एक चीज आप देखिए कि इससे ये जो आपका है, ये यदि हम इसको एक मैट्रिक्स के रूप में देखेंगे, यदि यह आपका एक मैट्रिक्स है, इसी का डिटरमिनेंट भी आप निकाल सकते हैं, यदि आपका मैट्रिक्स है और इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद ये क्या आएगा, इसका परिवर्त, ठीक है, इसका परिवर्त, समझ में आ रहा है। या फिर यदि यह डेल है, हम इसको डिटरमिनेंट ही कहेंगे, तो यदि यह डेल है तो डेल का जब हम परस्पर बदल दिए पंक्ति और स्तंभों को तो ये जो है आपका इसका क्या हो गया, परिवर्त, क्या हो गया, परिवर्त। तो आप एक चीज समझ सकते हैं यहां से कि यदि कोई डिटरमिनेंट है और उसका परिवर्त आप निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल बराबर होता है डेल का ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों का दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक इसका पहला गुण था, सबसे पहला, कि यदि कोई डिटरमिनेंट आपके पास होगा और यदि आप उस डिटरमिनेंट के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं, अर्थात उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो दोनों डिटरमिनेंट का मान सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह पहला इसका था। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि यदि पंक्ति को स्तंभ से, पहले इस चीज को समझिएगा, इससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए, दूसरा इसका पॉइंट समझ लीजिए कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, जैसे
ध्यान से देखिएगा, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो आर थ्री है, आर थ्री, ये आर थ्री का सभी अवयव क्या है, जीरो है। आर थ्री का सभी अवयव क्या है, जीरो है। तो ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। और ऐसा कब कब हो सकता है, तो यहां पर एक ही नहीं, कोई भी, चाहे वो C1 हो या C2 हो या C3 हो या R1 हो, R2 हो, R3 हो, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के कोई भी तीनों, सॉरी, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के यदि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव केवल जीरो हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जानकारी पहले से है आपको, केवल हम रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका दूसरी, सॉरी, मतलब यहां पर तीसरी चीज हम देखेंगे अभी। तीसरा कंडीशन क्या है कि जितने भी कार्य हमने मैट्रिक्स में किया था, जोड़ने वाला, घटाने वाला, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से जोड़ सक, सॉरी, पहली पंक्ति को दूसरे पंक्ति से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, किसी संख्या से गुना करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वो सारा क्रिया इसमें होगा, जोड़ने घटाने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा इसका ये पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। चौथा पॉइंट इसमें ये आता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यदि कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति को या किसी एक स्तंभ को परस्पर बदल देते हैं, जैसे समझिए ठीक से, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, मान लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं कि R1 को बदलकर C1 कर लेते हैं, ठीक है, R1 को बदलकर क्या कर देते हैं, C1 ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आप इसके पंक्ति और स्तंभों का स्थान बदल दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा ठीक से कि यहां पर जो ये R1 है, ये R1 है और ये आपका R3 है, ठीक है, ये दोनों को परस्पर बदल देते हैं, ये दोनों को परस्पर बदल देते हैं, अर्थात R1 को R3 के जगह पर और R3 को R1 के जगह पर कर लेते हैं। देखिएगा, यहां पर R3 को ऊपर लिख लेते हैं, A3 B3 C3, बीच वाला जो कहते हो, A2 B2 C2, और फिर ऊपर वाला को A1 B1 C1। यदि ऐसा आप करते हैं, ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाएगा। क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसा आप पंक्ति में भी कर सकते हैं और स्तंभ में भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप पंक्ति को पंक्ति से परस्पर बदले हैं, आप ऐसा स्तंभ को स्तंभ से भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यदि आप किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को परस्पर बदल देते हैं, ठीक है, परस्पर बदल देते हैं, R1 को R3 के जगह पर ले आए, R3 को R1 के जगह पर ले आए, या फिर R1 को R2 के जगह पर ले आएंगे और R2 को R1 के जगह पर ले जाएंगे, यदि इसका स्थान परस्पर बदल दिया जाएगा तो डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी यदि यह आपका प्लस में आया तो बदलने के बाद दूसरा जो डिटर्मिनेंट होगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। देख सकते हैं आप, आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट इसका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो जाए, ठीक है, किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो जाए, कोई दूगो पंक्ति या कोई दूगो स्तंभ के सभी संगत अवयव यदि समान हो जाए, तो उस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर होगा। उस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और इसका छठा पॉइंट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के
कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समानुपाती हो जाए, ठीक है, सभी संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो इस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर होता है। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे एक दो तीन पाँच छ सात दो चार छ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप एक चीज देख रहे हैं आर वन और आर थ्री में, क्या दिख रहा है आपको, देखिएगा आर वन में जो है आर वन और ये है आपका आर थ्री, दोनों में देखिए तो क्या है, यह इसका दुगुना है, यह इसका दुगुना है और यह इसका दुगुना है, कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, इसका अनुपात निकालेंगे वन बाई टू, इसका भी वन बाई टू और इसका भी वन बाई टू ना। तो जब किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होता है, जीरो के बराबर, कितना के बराबर होगा डिटर्मिनेंट का मान, जीरो के बराबर, जो अब आप आसानी से समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत, तो ये छह पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। बाकी जो जोड़ घटाव वाली क्रिया है वो आप, हाँ यदि आप किसी डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में किसी डिटर्मिनेंट के किसी पंक्ति से या किसी स्तंभ से, ठीक है, किसी स्तंभ से आप कोई भी कॉमन कोई भी संख्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है दो चार छ, तो आप चाहे तो आर थ्री से दो कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही आर थ्री से दो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक दो तीन, ठीक है, आर थ्री से दो कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर बाहर में लिखेंगे। अब यदि आप चाहे तो किसी कॉन्स्टेंट से गुना कर सकते हैं, लेकिन सभी अवयव में नहीं, यदि आप गुना करना चाहेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि हमको दो से गुना करना है आर वन में, तो आर वन में दो से गुना करेंगे तो केवल आर वन में ही, जैसे इसमें गुना करेंगे तो दो चार छ, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए कि दो से गुना कर दिए इसमें तो आपको दो से भाग भी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यदि आप किसी कॉन्स्टेंट से गुना करते हैं अपने मन से तो आपको उतना से भाग भी करना पड़ेगा उस डिटर्मिनेंट में। यदि गुना करेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में, यदि आप भाग करेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में, यदि आप कॉमन भी लेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से। समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी को दिक्कत, ये पूरी चीजें हम पहले भी आपको बता चुके हैं, टोटल जानकारी डिटेल में आपको दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिकैप कर रहे थे अभी ताकि आपको ये चीजें याद आ जाए और आप सवाल आसानी से बना पाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत करेंगे हम लोग और वहां पर बनाना सीखेंगे इसको। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2, आप सवाल को देखिएगा और बारी बारी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे या जो क्वेश्चन बनने वाला होगा आप लोगों से उस क्वेश्चन को छोड़कर भी आगे बढ़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन को बना पाए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि बिना प्रसरण किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न एक से पांच तक को सिद्ध कीजिए, यानी इसका प्रसारण नहीं करना है, इसको विस्तार नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसको गुणधर्म के आधार पर यह बताना है कि इसका मान जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा, या फिर आपको गुणधर्म के आधार पर इसको सिद्ध करना है, जितने भी गुणधर्म आपको अभी बताए हैं उसके आधार पर ही आपको सिद्ध करना है। तो जैसे ही आप यहां बराबर में देख रहे हैं कि जीरो है, बराबर में कितना है, जीरो है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि जीरो होने का कौन कौन सा कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है जीरो होने का कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समान हो जाएंगे तो इस कंडीशन में भी उसका मान जीरो के बराबर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समानुपाती होंगे तो ऐसे कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आइए इन तीनों में से कौन सा कंडीशन यहां लागू होता है देखते हैं। सबसे पहले इसका LHS लेकर चलते हैं, LHS ध्यान से देखिएगा, LHS में क्या है, हम मान लेते हैं कि डेल है, लिखेंगे माना डेल बराबर क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड और फिर क्या है, ए
बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। चलो बाबू ध्यान से देखो, यहाँ आपको या तो किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के अवयव को बराबर कर लेना है या फिर उसको जीरो कर देना है, किसी एक पंक्ति के सभी अवयव को जीरो कर लेना है या फिर समानुपाती दिखाना है। चलिए छोटा सा चीज हम यहाँ समझाते हैं आपको। देखिए जैसे इसमें x प्लस ए है, y प्लस बी है और z प्लस सी है। हम ऐसा करते हैं कि इस कॉलम नंबर वन में कॉलम नंबर टू को जोड़ देते हैं, यानी c1 में क्रिया करना है और कौन सा क्रिया करना है, c1 प्लस c2। ठीक है, c1 में क्रिया करना है, c1 प्लस c2 कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, इसके बाद a b c, लास्ट में है x प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए कि यहां जितना c1 में है उतना ही आपको c3 में दिख रहा है ना, तो आपका जो गुणधर्म कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ का मान समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाता है। अब आप c1 और c3 को पहचानिए एक बार और देखेंगे कि यहां पर दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है, यानी दोनों के दोनों बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि c1 बराबर c3, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, तो जीरो के बराबर। अब देखिए अगला क्या कहता है आपका दूसरा सवाल, सवाल नंबर दो क्या कहता है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ए माइनस बी, मान लेते हैं माना, या फिर आप इसको अभी नहीं मानिए, क्या दिया गया है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और फिर सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, और आपको लाना है इतना के बराबर में क्या, जीरो। चलो फिर से देखते हैं कि जब जीरो लाने की बात कर रहा है, जब आपसे पूछ रहा है कि इसका मान जीरो के बराबर होगा, तो आपके दिमाग में वही जीरो वाली बात चलना चाहिए कि कब किस कंडीशन में जीरो होता है। तो जीरो होने का जो कंडीशन है कि या तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो जाएगा तो जीरो होगा, या फिर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी संगत अवयव समान हो जाएगा तो जीरो होगा, या फिर समानुपाती होगा तो भी जीरो होगा। अब इसमें क्या चल रहा है, चलिए इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और फिर a माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। देख लीजिए यहां पर एक चीज आप देखिएगा, देखिए a प्लस में है, a माइनस में है, b माइनस में है, b प्लस में है, फिर c माइनस में है, c प्लस में है। यानी यदि हम इसको आपस में जोड़ दें, यानी c1, c2 और c3, यदि इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा, चलिए क्रिया कर लेते हैं c1 में, क्या करेंगे तो c1 प्लस c2 प्लस c3, यानी तीनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तीनों को जोड़ रहे हैं ना, फिर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इसके बाद सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और बाकी को ज्यों कहते हो, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। यहाँ पर लिख लिए हैं, देखिए अब जो कटने वाला है काट दीजिए, यहाँ पर प्लस ए माइनस ए, प्लस सी माइनस सी, प्लस बी माइनस बी, फिर बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी। तो एक चीज़ आप देखिए कि टोटल का टोटल आपका कट गया ना, यहाँ पर टोटल का टोटल कट गया तो बचा क्या, जीरो, इसमें क्या बचा, जीरो, यहाँ क्या बचा, जीरो। अब बाकी देख लीजिए, b माइनस सी, सी माइनस ए, फिर a माइनस बी, फिर है आपका c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब आप एक बात बताओ,
कि इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो R1 है आपका, यहां जो R1 है, तो R1 के सभी अवयव क्या हैं? जीरो हैं। और आपको क्या बताए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर होता है। तो अब आप बताइए कि यहां R1 का मान तो जीरो हो गया, इसलिए लिखेंगे चूंकि R1 बराबर जीरो, इसलिए डेल का मान भी कितना के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। यानी डिटर्मिनेंट का मान भी कितना के बराबर होगा? जीरो के बराबर। इसका मान जीरो के बराबर आएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की तरफ। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तीसरा कह रहा है कि यहां जो डिटर्मिनेंट आपका दिया गया है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86, इसका मान जीरो के बराबर है। ठीक है, इसका मान कितना के बराबर है? जीरो के बराबर। तो आपको कह रहा है कि कैसे, गुणधर्म का प्रयोग करके आप बताइए कि इसका मान जीरो के बराबर कैसे हो गया। तो गुणधर्म में बराबर जीरो है माने तीन बात, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो होना चाहिए, किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समान होना चाहिए, किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के सभी अवयवों संगत अवयव समानुपाती होना चाहिए, बस तीन चीज। यहां पर एक चीज देखिएगा, ठीक है, क्या है ध्यान से देखिएगा, 65 है, 75 है और 86 है। चलिए पहले इसका एलएचएस ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 8, 9, इसके बाद 65, 75, 86। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आप करना क्या है, ये 65, 75 और 86 आपको लाना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिएगा। हम करते हैं कि R2 में गुना कर लेते हैं 9 से। कितना से गुना करेंगे बाबू? 9 से। R2 में गुना करेंगे 9 से, और इसके प्रत्येक अवयव में 9 से गुना करके, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक अवयव में 9 से गुना करके, और उसमें क्या करना है आपको कि ये वाला अवयव जोड़ देना है, ये वाला क्या करना है आपको? जोड़ देना है। समझ में आ रहा है? 9 से गुना करना है प्रत्येक अवयव में, इसके प्रत्येक अवयव में 9 से गुना करके और ये जोड़ देना है बारी बारी से। अब ध्यान से देखिए, जब 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63, और 63 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। चलिए इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, अब 72 3 क्या हो जाएगा? 75। इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86। यानी ये वाला आपका आ जाएगा। चलिए यही कर लेते हैं। क्या करना है? क्रिया करेंगे C2 में क्रिया करना है। क्या क्रिया करना है? तो 9 से गुना करना है C2 में, और उसमें C1 जो है आपको जोड़ देना है ना। 9 से गुना करना है C2 में और C1 जोड़ लेना है। तो देखिए, जब गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 2 3 5। चलिए आप गुना कीजिए इसमें 9 से, तो 9 7 63, और 63 2 कितना हो जाएगा? 65। 9 8 72, 72 3 कितना हो जाएगा? 75। 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा? 86। ये ज्यों का त्यों 65 75 86। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ R2 और ये है आपका R3, और R2 बराबर हो गया R3, यानी R2 और R3 का मान दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब आपका किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के सभी संगत अवयव यदि समान हो जाए तो आप बताइए कि डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, देख सकते हैं आप आसानी से। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, टोटल सवाल की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक एक सवाल करके सभी सवाल का सॉल्यूशन आसानी से आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर जो आपका 4 है वो क्या कहता है देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका सबसे पहले 1 1 1, फिर आपका है BC, और इसके बाद क्या है? तो AC, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका AB, और इसके बाद क्या है लिखा हुआ? A into B plus C, A into B plus C,
और क्या है फिर बी इंटू सी प्लस ए, बी इंटू सी प्लस ए, और इसके बाद क्या है सी इंटू ए प्लस बी, सी इंटू ए प्लस बी। आप इतना का मान जीरो के बराबर लाना है ना, इसका मान भी आपको जीरो के बराबर ही लाना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले क्या करना है, इसका एल एच एस ले लेते हैं, वन वन वन, फिर है आपका बी सी ए सी ए बी, इधर देखिएगा ए बी सॉरी यहाँ है ए इंटू बी प्लस सी और बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। चलिए क्रिया कर लेते हैं, पहले तो ये वन 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 जो कहते हुए ना, अब देखिएगा बी सी ए सी ए बी आप गुना कर लीजिए तो क्या आएगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। चलिए गुना कर लीजिए तो क्या आएगा बी सी प्लस सॉरी बी सी प्लस ए बी ए बी, और इसके बाद क्या आएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ ए बी है ए सी है और ई वाला बी सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा इसमें आइए ए बी है बी सी है ई वाला ए सी जोड़ देंगे तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें देखिए ए सी और बी सी है ए बी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, नहीं हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, क्रिया करेंगे सी थ्री में, माने इसमें क्रिया करेंगे सी थ्री में, कौन सा क्रिया करेंगे तो सी थ्री अब प्लस में सी टू ना, देख लीजिए वन 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 ये तो ज्यों कहते हो ये भी ज्यों कहते हो रहेगा बी सी ए सी और ए बी, केवल उसमें जोड़ना है तो क्या आएगा ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस ए सी। चलिए इधर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सजा कर लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए ध्यान से देखिएगा कि इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी सी थ्री का जो है सभी अवयव में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको दिख रहा है। तो आपको बताए हैं कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से आप कोई भी अवयव जो अवयव कॉमन होने वाला होगा आप ले सकते हैं आसानी से। तो क्या लिखेंगे कि सी थ्री से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू ध्यान से देखिएगा वन वन वन, फिर आपका ये बी सी सॉरी कॉमन ले लिया ना तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा बी सी ए सी और फिर ए बी, इसमें कहा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गया तो एक बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गया तो एक बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गया तो एक बचेगा, यानी यहां बचेगा आपका वन वन वन, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहां जो आपका सी वन है वही सी थ्री है, लिखेंगे चूंकि सी वन बराबर सी थ्री इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा जीरो के बराबर। आगे में है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और इसके बाद इनटू में इसका मान हो जाएगा जीरो, और जब जीरो से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा जीरो, जीरो से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा जीरो। तो अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर चार जो आपसे कह रहा था कि उसका मान जीरो के बराबर होगा, आसानी से समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें अभी हम बात करेंगे, हाँ चार नंबर सवाल तक तो देख लिए, ठीक है, पांचवा सवाल आप लोग खुद बनाकर देखिएगा, पक्का देखिएगा बनाकर। तो सवाल नंबर पांच आप लोग के लिए है, सवाल नंबर पांच आप लोग जरूर बना लीजिएगा, और उसके आगे भी छह से लेकर आगे भी यही कार्य आपको करना है, छह नंबर भी देखिएगा बनाकर, सात नंबर भी देखिएगा बनाकर, ठीक है। और कल हम आप लोग को इसका कल जो है ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज की तरफ, यानी 4.3 की तरफ, समझ में आ रहा है। बहुत जल्दी जल्दी सबको खत्म कर देंगे, आप लोग को यही परेशानी लग रहा था ना कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, अब देखिए कितना जल्दी जल्दी खत्म होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।